बस ये रहना इससे आगे मत जाना यार। बहुत आयु गया ना सर भी आएगा सुना सुना अपने सबके सर आएंगे इसलिए बोलो थोड़ा और बिचारे को और सही बहुत ही एक घिनौना घाट हुआ है, दर्दनाक है और सब बहुत शर्मिंदा है। इस बात से मुंबई शहर को हमेशा एक बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता रहा है और हम सब इस बात का बड़ा गर्व करते थे कि हम मुंबई के निवासी हैं, जहां पर इस तरह के कांड नहीं होते, जहां पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं। लेकिन कल जो कांड हुआ है एक 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट के साथ, और न केवल उसके साथ बलात्कार हुआ है बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से और दिन दहाड़े, और एक ऐसे स्थान पर जो कि शहर के एकदम बीचों बीच में, तो ये सुन करके बहुत दर्द होता है कि हमारे देश को क्या हो रहा है। ये मुंबई शहर जिस पे हमें इतना गर्व था, उसके लोगों को क्या हो गया। मैंने कहा कि अभी परसों ही रक्षाबंधन का त्यौहार था, जहाँ हम बहुत पुरानी हमारी परंपरा है देश की, महिलाएं, बेटियां, बहनें भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करें। असली बहन ना भी हो फिर भी हम मानते हैं कि कोई भी महिला जो है वो बहन के समान होती है। वो परंपरा क्या हम भूल गए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी दोषी हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तुरंत और बहुत ही शीघ्र ही कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। कानून बन चुका है, एक मिनट मेरी बात, कानून बन चुका है इसके ऊपर, लेकिन मैं केवल अपनी छोटी सी हैसियत से यही कहना चाहूँगा कि उस कानून का पालन जितनी जल्दी हो सके, ताकि लोगों को पता चले कि जब कभी भी इस तरह का वो घिनौना कांड करेंगे तो उनके साथ न्याय जो है बहुत तेज़ी और बहुत ही जोर तरीके से उनको पेश आए। चार पांच एक साथ बोलिए। इससे पहले दिल्ली में भी एक बार इंसिडेंट हुआ, बहुत तेजी से सजा की मांग की गई, काफी तेजी देखने को मिली है, अभी तक फैसला उधर अभी फैसला हुआ नहीं है। ये एक और बात है कि निर्भय कांड को करीबन 8-9 महीने हो गए हैं और अभी तक उसका निर्णय जो है वो हुआ नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि कानून कैसे चलना चाहिए। हमें मालूम है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं, आपके माध्यम के द्वारा हमें पता चलता है कि ये किस जगह पर कांड हुआ और कितना आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इसी तरह हम लोग सबको जागरूक करते रहें, जनता को जागरूक करते रहें और जनता जो है इस बात को जो सिस्टम है उनको बता सकें कि हम लोग कितने निराश हैं इससे, और जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे इस तरह के कांड जो हैं वो फिर ना हो। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो कानून व्यवस्था, बहुत जल्द जो दोषी है उनको पकड़ना, कानून लगाना और कड़ी से कड़ा सजा जो है उनको जितनी जल्दी मिल सके वही हो। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को, अपनी सोच को बदलना होगा, और कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ऐसा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। शिक्षा के दौर से या जो लोग जिनकी बातों को समझा जाता है, सुना जाता है, उनके द्वारा ये बात अपने लोगों से कहें, ये जो हो रहा है ये गलत है।
आपकी आवाज का गलत यूज हो रहा था और वो किसी उन्होंने आपसे माफी मांगी जो माफी मांगी है सर। जी जी वो बात खत्म हो गई है। वो 2007 में एक लीड इंडिया करके एक कार्यक्रम था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें देश की उन्नति के बारे में बात हो रही थी और मैं स्वयं भूल गया था कि मैंने खत किया था। तो दिल्ली में था मैं, तो किसी पत्रकार ने मुझको आकर के दिखाया कि देखिए ये एक वीडियो निकल पड़ा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने सोचा पहले किसी ने मेरी आवाज़ को माइम किया है, तो काफ़ी देर तक मैं यही समझता रहा। लेकिन बाद में मेरे ब्लॉग के द्वारा मुझे पता चला किसी से कि सर ये 2007 में आपने एक लीड इंडिया कार्यक्रम किया था, कैंपेन किया था, जिसमें देश की उन्नति के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में हमने बातें की थी और उसी को तोड़ मोड़ करके कुछ अपने विजुअल लगा करके किसी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मैंने भी लिखा और शायद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई है और जिसने भी ये किया उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों के ही द्वारा सुना है कि कहीं उस आदमी ने बताया कि मैंने इसे व्हाट्सएप में देखा और मैंने तो केवल इसका प्रचार किया, बनाया नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं किसने बनाया। हालांकि हमारी जो गुजरात की जो टेक्निकल टीम है, आईटी टीम है, उनको जो अधिकारी हैं जो ये बात को देखते हैं उनको पता दिया गया है और वो अपनी टीम को दिखाएंगे। यहाँ पर भी मेरी जो डिजिटल टीम है वो पता कर रही है कि ये कौन है, फिर उनके साथ जो भी कार्रवाई हो सकेगी हम करना। साइबर क्राइम कैसे रोका जाए क्योंकि आपका ये रिपीट होते रहेगा? जी हाँ, ये साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट खुला है मुंबई पुलिस फोर्स में और उन्हें सब जानकारी है। जब कभी भी इस तरह का कोई कांड होता है हम उन्हें बताते हैं और वो उसके ऊपर। आप कुछ एक्शन लेने वाले हो पर्सनली इसको लेके? अब पहले पता तो चले कौन है। जी जी जी, ये मैंने कहा ना कि कहीं भी आया था, मुंबई नहीं कहीं भी इस तरह का अगर वातावरण होगा तो जाहिर है कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित समझेंगी। एक ऐसा शहर जहां पर महिलाएं जो हैं उनको निडर होकर के सड़कों पे चलती हैं चाहे 1 बजे रात हो 2 बजे। अब ये बेचारी महिला जो है ये अपने काम पे गई हुई, और ऐसा नहीं है कि रात के 2-3 बजे गई है काम पे, वो दिन दहाड़े अपने जर्नलिस्टिक एक उसको एक काम का असाइनमेंट मिला है करने के लिए वो करने गई और इस तरह का कांड उसके साथ हो गया। बहुत ही दर्दनाक। या श्योर, वी हैव ऑल बीन वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड एक्सट्रीमली शॉक्ड एट दिस most heinous kind of gang rape that has happened in the city of Mumbai. More so because we've always had great pride in this city as being a city that has been devoid of any kind of such incidents. Women have always been looked upon with a lot of grace and dignity, and they've always felt very safe irrespective of where they go or what they travel in whichever form at late at night. But this is a huge tragedy. And I must say that the name of the city has taken a beating and we need to rectify that. I hope that the authorities will take immediate steps, catch the culprits and put them through a very rigorous station and then take them to the law and make sure that the law acts as soon as possible. I did say also that just a couple of days ago we had this very wonderful festival of Raksha Bandhan, where sisters tie Rakhi on their brother's wrists for protection. We may not have real sisters, but we always look upon another woman as being our sisters. And I hope that this tradition, this wonderful culture that our country has, gets repeated again and again, and where we do not look upon them as victims that need to be raped and defiled, rather than look upon them as sisters, mothers, who, have such an important place in our lives. मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। 25 साल कोई कम वर्ष नहीं होते हैं और वो आज चोटी के कलाकार हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई।